हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 बहुत प्यार से समझ में आए ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 196 एनसीईआरटी है। आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं करा रहे? अरे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इंट्रो में करा दिया था आपको, इसलिए है ना। तो इंट्रो में हमने सीखा था बेटा इसके सम टू एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, ये सब चीजें मैंने इंट्रो में आपको बहुत अच्छे समझाई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा ऑपरेटर। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? सिग्मा कहते हैं। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल आपको अच्छे से समझाई थी, बहुत प्यार समझाई थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसका इंट्रो जरूर देखें, है ना। ओके, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ये मैंने लिखा इसलिए जिससे कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा फील आए, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, फाइंड द सम टू एंड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7, यानी कि 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन में आपने सम निकालना है टू एंड टर्म्स, है ना। ओके, चलिए बात करते हैं। तो ये सीरीज है, मैंने आपको इसका एल्गोरिथम बताया था कि कैसे बहुत प्यार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं जनरल टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरल टर्म देखो कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान देना। ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और एंड सोन यहां पे कहीं पे एनएफ टर्म रहा होगा, मानते हैं ना इस बात को? हाँ सर मानते हैं। देखो जब यहां पे 1 था तो यहां पे 1 था, और यहां पे एन प्लस 1 यानी कि 1 ज्यादा था, और यहां पे 2 ज्यादा थे। यहां पे जब 2 था तो यहां पे 2 ज्यादा था, यहां पे उससे 1 ज्यादा है, यहां पे उससे 2 ज्यादा है। सिमिलरली यहां पे जब 3 था तो यहां पे भी 3 था, यहां पे उससे 1 ज्यादा था और यहां पे उससे 2 ज्यादा थे। तो सिमिलरली जब मैं एनएफ टर्म लिख रहा हूं इसका यानी कि जनरल टर्म, तो जनरल टर्म यानी कि केथ, है ना, केथ टर्म की अगर मैं बात करूं, तो एक बात हो, अगर मैं के और उससे एक ज्यादा, भाई जब केथ टर्म निकाल रहा हूं यहां पे, चलो के ही डिनोट करता हूं, तो पहले क्या आएगा, के आएगा नहीं आएगा, और फिर अगले में उससे एक ज्यादा यानी कि के प्लस 1, और उससे अगले में 2 ज्यादा थे यानी कि के प्लस 2 होगा नहीं होगा, चेक कर लो। तो के प्लस 1 और के प्लस 2 रहेगा नहीं रहेगा? आपको सर नहीं समझ में आया, आप फील करके देखो ना। आप यहां पे 1 पुट करो, के की जगह 1 पुट करो, तो ये टर्म आ रहा नहीं आ रहा, चेक करो। जब मैंने 1 पुट किया तो यहां पे 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, और 1 + 2 3 आ गया, चेक कर लो। जब मैंने 2 पुट किया तो ये वाला टर्म आया नहीं आया, चेक करो। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 + 1 3 आ गया, यहाँ पे 2 + 2 4 आ गया। तो भाई जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि आप यहां से कुछ भी पुट करो और वही टर्म आ जाए, है ना, उसी को जनरल टर्म कहते हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल सिंपल था यहाँ पे तो ना। अब मेरे को उसका क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है, तो बहुत प्यार से हम निकाल लेंगे। देखिए नाउ सम, सम दैट इज एस ऑफ एन कह देते हैं सर। तो सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक हम जाएंगे ए के में, है। अब ए के की वैल्यू डाल दो, तो सिग्मा के इक्वल टू 1 से एन, और के की वैल्यू क्या है बेटा, अच्छा इसको इंटू कर दे, इंटू क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, वैसे बताया था ना। तो इसको इंटू करके क्या आ रहा है, लेट्स से यहीं पे इंटू करके देख लेते हैं, या यहां पे कर लेता हूं। देखो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के, और इंटू में के प्लस कितना है 2, तो इन दोनों को इंटू करेंगे जब हम, क्या आएगा के क्यूब और 2k² और के स्क्वायर और 2k, चेक कर लो, यही आ रहा है ना भाई। देखो के क्यूब और 2k² और फिर इससे करेंगे तो के स्क्वायर और 2k, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, के क्यूब आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, और 2k² और 1k² मिल गया 3k² बन गया, और 2k, चेक कर लो, ये के क्यूब है। होप सो के बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आपको, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। चलिए अब यहां पे क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिग्मा को, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इट मींस सिग्मा के इक्वल टू 1 से n, के क्यूब अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस इसका 3 मैंने आपको बताया था बाहर आ जाता है, तो सिग्मा के इक्वल टू 1 से n, के स्क्वायर अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यहां से भी 2 बाहर आ गया, तो सिग्मा के इक्वल टू 1 से n k रह गया, चेक कर लो, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिग्मा को, है ना। चलिए अब तो बस फॉर्मूला लगाने और सिंप्लीफाई करना है, तो के क्यूब का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, चेक कर लो। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सही यही होता है। ओके, प्लस में 3 और k² का फॉर्मूला ये रहा, इसीलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा है आपके लिए जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, n n प्लस 1
टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स है ना। ओके, इसके बाद ये टू ऐसी रहा और साथ में के का फॉर्मूला गया एन एन प्लस वन अपॉन टू, तो एन एन प्लस वन अपॉन टू वैसे चेक कर लो। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना और आंसर है ये। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोशिश करो कि इसमें से कॉमन लिया जाए, है ना। तो देखो एन एन प्लस वन अपॉन टू यहां पे भी है, एन एन प्लस वन अपॉन टू यहां पे भी है, एन एन प्लस वन अपॉन टू यहां पे भी है। तो चलिए एन एन प्लस वन अपॉन टू को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या रहेगा भाई, इस पे होल स्क्वायर था तो ये पूरे बच गए, एन एन प्लस वन अपॉन टू ठीक है, प्लस यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचा, देखो एन एन प्लस वन अपॉन टू तो बाहर गया यानी कि थ्री और ये टू एन प्लस वन। अच्छा एक बात, इससे कैंसिल कर दो तो क्या बचा, एन एन प्लस वन अपॉन टू तो बाहर गया तो खाली ये बचा है ना टू एन प्लस वन, तो ओनली टू एन प्लस वन चेक कर लो, और अपॉन में कुछ है ना वन है, और यहां से क्या बचा है भाई, यहां से एन एन प्लस वन अपॉन टू बाहर चला गया तो ये टू बचा खाली, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो दोस्तों, है ना। ओके तो नाउ एन एन प्लस वन अपॉन टू एज इट इज, और यहां पे हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो एलसीएम में आ गया टू तो अंदर रह गया एन स्क्वायर प्लस एन, और यहां से रह गया टू एन, नहीं ये टू इधर इंटू हो जाएगा ना, तो टू टू फोर एन, फोर एन प्लस टू है, और यहां पे टू टू फोर। ओके कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लिया सही, तो फाइनली एन एन प्लस वन अपॉन टू एज इट इज, और यहां पे क्या आ गया एन स्क्वायर, और देखो ना फोर एन और एक एन मिलके फाइव एन, और ये सिक्स हो गया है और अपॉन में टू एज इट इज। अब देखिए अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके फैक्टर कर दूं, वैसे आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन फैक्टर अगर हो रहे हैं तो हम करेंगे जरूर। तो देखिए पांच लाना है मेरे को प्लस का, जो भी बना लें एक बार, और छह के फैक्टर करने हैं प्लस के छह को तोड़ के, यानी कि दो इंटू तीन पांच होता है, और दोनों में प्लस का साइन लगा दिया जाए तो दो तीन पांच भी आ जाए, दो तीन छह भी आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। तो फाइनली फैक्टर क्या बने बेटा, एन एन प्लस वन ये तो एज इट इज, इसके फैक्टर बने हैं एन प्लस टू और एन प्लस थ्री, चेक कर लो भाई एन प्लस टू और एन प्लस थ्री तो बनेगा, और अपॉन में टू टू फोर लिख दो डायरेक्ट, बिल्कुल सर। तो बेटा मेरे हिसाब से और एनसीईआरटी के हिसाब से भी यही आंसर होना चाहिए, इसमें कोई शिकायत आपको नहीं रहनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत प्यार से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नहीं बेटा ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से अब आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फिर, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि सेम पेज 196 एनसीईआरटी है, ये सीरीज है, मुझे सम निकालना है, आपको एंटम्स आपको पता है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया ऑलरेडी। ओके तो अब समस्या क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना टिपिकल हो गया है, मतलब कि nth टर्म यानी कि जो जनरल टर्म जिसे हम कहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे निकालें। तो देखो कुल मिला के सारा काम तो इसी का ही है दिमाग का, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमने निकालनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। यार मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं एन मेरा कॉन्स्टेंट रहने वाला है ये वाला, है ना, इससे मेरे को एन की पहचान हो गई कि एन की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से है ना। तो देखो अब इसके बिहाफ पे मैं ये कैसे लाऊं, तो यार अगर मैं एन की वैल्यू वन लेता हूं तो ये वन इंटू टू प्लस वन करके आ रहा है, मानते हो ये बात, सर मानते तो है। तो अगर मैं एन की वैल्यू वन ले रहा हूं तो चेक कर लो ग्यारह टर्म आ रहा है, यानी कि मेरे को एक बात समझ में आ गई कि देखो ना, नहीं समझ में आ रही ना, तो ऐसे देखो ये ए वन है, ए वन कितना बेटा, इसको मैं ब्रेक करके दिखाऊं, देखेंगे बहुत ध्यान से, वन इंटू टू प्लस वन और इंटू में वन का स्क्वायर, एन की वैल्यू बेसिकली ये चल रही है ना, देखो टू वन दर टू प्लस वन थ्री हो जाएगा और वन का स्क्वायर। अच्छा इसको देखते हैं, इसको जब मैंने देखा तो सेम एन की वैल्यू इस बार टू इंटू टू प्लस वन इंटू में टू का स्क्वायर, देखो ना एन की वैल्यू ये चल रही है, तो टू टू द फोर प्लस वन फाइव और टू का स्क्वायर एज इट इज, चेक कर लो। तीसरा टर्म भी देखते हैं, तो बेटा इस बार ये थ्री इंटू एन की वैल्यू इस बार थ्री ली है, दिख रहा है ना मेरे को एन की वैल्यू थ्री है, इंटू टू प्लस वन इंटू में थ्री का स्क्वायर चेक करेंगे, थ्री टू सिक्स और एक सेवन, बिल्कुल सही है ना, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसका जो kth टर्म होना चाहिए वो क्या ये नहीं होना चाहिए कि बेटा ये जो n चल रहा है n है ना n इंटू टू प्लस वन, यानी कि टू एन प्लस वन भी तो लिख सकता हूं इस चीज को मैं, टू एन प्लस वन चेक कर लो इंटू में n का स्क्वायर, यस और नो बोलो, यस और नो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इसमें पुट करके देखेंगे भाई, जब मैं सॉरी kth टर्म है ना, k की फॉर्म में आएगा ना, तो यहां पे k और यहां पे भी k, ओके पुट करके देखेंगे भाई, जब मैं वन पुट करूं इसमें तो ये वाला टर्म आना चाहिए था, चेक करते हैं भाई, वन पुट किया तो वन इंटू टू 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 वन थ्री, थ्री इंटू वन पुट किया था तो वन का स्क्वायर, तो थ्री इंटू वन का स्क्वायर बिल्कुल आ रहा है, टू पुट करके देखें ये वाला टर्म आ रहा है, टू
टू जो फोर और एक वन फाइव और इंटू टू का स्क्वायर आ तो रहा है, तो इसका मतलब हमने केस को यहाँ पे पहचान लिया। अंडरस्टूड है जी सर? बिल्कुल अंडरस्टूड है। अब इसको मैंने क्या बताया आपको, आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो तो टू के क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, अब तो बस जब आपके पास इतने काम हो गया तो सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करके आंसर निकालना रह गया, तो सिग्मा ऑपरेटर का यूज करते हैं हम। देखिए नाउ सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म्स है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा कैसे बात करते हैं हम इसकी, हमेशा एन सॉरी एन की बात कर रहा हूं, के इक्वल टू वन से एन तक हम जाते हैं और केथ टर्म, अब केथ टर्म की वैल्यू डालते हैं तो के इक्वल टू वन से एन तक केथ टर्म की वैल्यू ये रही है आपके सामने, दैट इज टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर है ना। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। तो जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो टू को बाहर निकाल दें जैसे हमेशा करते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो k इक्वल टू वन से n तक और क्या यहाँ पे क्या बेटा k क्यूब है प्लस सिग्मा k इक्वल टू वन से n तक और यहाँ पे क्या है k स्क्वायर है। अब बस दोनों के फॉर्मूले हमने यहां से उठा के डालने हैं और सिंप्लीफाई कर देना, दैट्स इट है ना। चलिए तो टू एज इट इज, इसकी बात करें तो ये तो क्या होता है बेटा एन एन प्लस वन अपॉन टू और इसका होल स्क्वायर आता है ना, चेक कर लो। प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ओके, एंड आई एम श्योर कि कोई डाउट नहीं रहा होगा है ना। चलिए अब तो सिंप्लीफाई करना रहेगा। देखो एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन हम ले सकते हैं बाहर, तो ले लिया हमने कॉमन एन एन प्लस वन अपॉन टू आ गया कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट क्या बचा, एक एन एन प्लस वन अपॉन टू बचा और एक साथ में आ रहा टू बचा, तो टू इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू ये बच गया है ना। ओके, प्लस यहां से क्या बचा, एन एन प्लस वन अपॉन टू गया तो यहां से ये बच गया टू एन प्लस वन और अपॉन में थ्री बचेगा क्योंकि टू कॉमन हो गया, कोई डाउट नहीं है एलसे मुझे। चलिए ठीक है, तो देखो एन एन प्लस वन अपॉन टू और विद इन ब्रैकेट एलसेम ले रहे हैं तो एलसे में छह आने वाला है और ये तीन इधर इंटू होगा, तो जब तीन इधर इंटू होगा तो तीन दूरी छह और एक काम ना करें, एक जस्ट मिनट ये टू भी तो काट सकते हैं हम है ना, इस टू को क्यों रोकते हैं, तो और इजी रहेगा। अब एलसीएम लेते हैं तो थ्री एलसीएम में आएगा, अब जब थ्री एलसीएम में आएगा तो थ्री इधर इंटू होगा तो थ्री इंटू यहाँ पे हो गए ये थ्री एन और ब्रैकेट ओपन करो तो थ्री एन स्क्वायर और प्लस में थ्री एन आएगा, चेक कर लो। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का टू एन प्लस का वन आएगा बस ओनली। एलसीएम मेरा सब बी को आता है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बचा क्या, एन एन प्लस वन अपॉन टू विद इन ब्रैकेट थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री टू फाइव एन प्लस वन अपॉन थ्री, चेक कर लो। अब अगर इसके फैक्टर पॉसिबल है तो हम करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो जैसे मेरे हिसाब से थ्री वन जा थ्री से फाइव हम नहीं ला सकते तो पॉसिबल नहीं है, तो आई एम डैम श्योर कि आंसर यहीं पे छोड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा इसको थ्री टू जा सिक्स लिखा होगा है ना। बट मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ आंसर को और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचूंगा है ना। तो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर आई थिंक थ्री, लेट मी चेक फर्स्ट, जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट, 9.4 एक्सरसाइज खुल गई है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है n अपॉन सिक्स, जैसा कि मैंने कहा था n अपॉन सिक्स और विद इन ब्रैकेट n प्लस वन ये वाला और विद इन ब्रैकेट थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन, थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहीं पे आंसर छोड़ रखा है, बस इसके आगे जैसे कि मैंने बोला था इसको थ्री टू सिक्स लिख सकते हैं, तो उन्होंने वही किया है एन एन प्लस वन और थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन अपॉन सिक्स कर दिया है, दैट्स इट, दैट्स योर फाइनल आंसर। और आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आएगा, सारा खेल के एथरम यानी कि जनरल टर्म का है, वो अगर आप कैसे भी करके निकाल लेते हो तो क्वेश्चन कहीं गलत होने के कोई चांस नहीं रहते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार जो कि सेम पेज 196 एनसीईआरटी है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए सरदर्द होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेसिकली इंट्रो में कराना जरूरी था बट इंट्रो में कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं, सो दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि आपको मैं एक्सरसाइज में समझाऊंगा इसको है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको है ना भाई। अल्टीमेटली मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है टू एन टर्म्स। ये क्या है बेटा, ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म है मानते हो, देखें बहुत ध्यान से देखें, वन अपॉन वन इंटू टू। अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा रीराइट करके लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, तो टू आएगा यहाँ पे वन आएगा तो टू माइनस वन सेम ही आ रहा है। देखो चेक करना एलसीएम देता हूं मैं अगर, तो टू माइनस वन अपॉन वन इंटू टू तो आ रहा है, तो टू माइनस वन क्या होता है वन अपॉन टू, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे है ना। ठीक है
ये सेकेंड टर्म है, इसको देखते हैं, टू इंटू थ्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट थ्री, लेट मी चेक, थ्री माइनस टू यानी कि ऊपर वन आ गया और नीचे थ्री टू, बिल्कुल सही है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको देखते हैं थर्ड टर्म को, क्या इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, थ्री इंटू फोर, तो वन अपॉइंट थ्री माइनस वन अपॉइंट फोर, तो फोर माइनस थ्री, दैट इज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। एंड सो ऑन, kth टर्म, kth टर्म के यहाँ पे n, n की ही बात कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा ऑपरेटर की मेरे को जरूरत पड़ेगी, है ना, तो डायरेक्ट nth टर्म की बात कर लेते हैं। तो nth टर्म क्या होना चाहिए इसका, भाई चेक करो, आप खुद चेक करो भाई, आप खुद देखो कि अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता तो अगला एक जा रहा है, तो यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो क्या होना चाहिए nth टर्म, ये नहीं होना चाहिए n, n प्लस 1, चेक कर लो, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर, होना तो ये चाहिए, तो n, n प्लस 1, है ना, ठीक है। अब जब मैं इनको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, तो क्या इसको भी ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, चेक करें, दिस माइनस दिस यानी कि एन से एन कट जाएगा, वन अपॉन यही आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे को निकालना क्या बेटा, मेरे को इन सबका सम निकालना है, तो क्या मैं अगर इन सभी को प्लस कर दूं तो मेरा सम आ जाएगा, मानते बात, चेक करेंगे, चेक करेंगे कैसे, नाउ एस ऑफ एन दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स, क्या होगा बेटा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन प्लस ए एन, भाई ये होगा नहीं होगा सर, होगा तो यही है ना, यही होगा ना, अब देख बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखो, ए वन क्या है, ए वन वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू, प्लस ए टू क्या है, ए टू वन अपॉन टू और माइनस वन अपॉन थ्री, फिर ए थ्री क्या है, वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर एंड सो ऑन, इसी तरीके से यहां पे क्या आया होगा, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर है बच्चों, क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखें, देखो इससे ये, इससे ये, इससे आगे वाला और ये कट रहा होगा, ऐसी मानते हो ये बात, सारे के सारे टर्म्स कट रहे होंगे, पहला और आखिरी छोड़ के, इज इट क्लियर, होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखो यहां से क्या बच गया बेटा, वन अपॉन वन बच गया, और यहां पे बच गया माइनस का वन अपॉन एन प्लस वन, चेक कर लो। तो ये बेसिकली फाइंड आउट क्या हुआ है हमारे पास, ये फाइंड आउट बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ही तो हुआ है, तो देखिए डायरेक्टली मेरे को आंसर मिल चुका है सम ऑफ एन टर्म्स का, क्या एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इससे ये कैंसिल, तो फाइनली सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस वन, दैट्स योर फाइनल आंसर, और आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसका प्रोसेस बहुत लेंदी है बेटा, बहुत ज्यादा लेंदी है, और मैंने कोशिश की है आपको इसको इजीएस्ट वे में आपको समझाने की और कराने की, और होप सो कि आपको समझ में भी आया होगा। आप बस इस चीज को थोड़ा सा फील करके देखो कि क्या सारे टर्म्स कट रहे हैं या नहीं कट रहे। आपको देखो जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कटेगा, ये इससे कटेगा, अगले वाले से ये कट रहा होगा, सिमिलरली ये भी कट रहा होगा, तो यहाँ पे ये और ये ही तो बच रहे थे, दिस माइनस दिस ही तो बचा है, तो दिस माइनस दिस, समझ ही आया ना, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई बात। अब फटाफट से वीडियो पॉज कर लो, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, पेज नंबर सेम है ना, ओके तो ये क्वेश्चन है, पांच का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, सात का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, 20 का स्क्वायर है ना, ओके तो देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप चाहो तो इंडिविजुअली 25, 36, 49, 64 एंड सो ऑन, 20 का 400 सबको प्लस कर दो, आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन लेकिन अभी तो क्या है कि यहाँ पे 20 तक ये, अगर ये 20 की जगह 2000 तक होते तो सबको प्लस नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको एक ऐसे रूल की जरूरत पड़ जाती है कि जिससे कि आप उसका डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सको। ये तो कॉम टर्म्स है तो हम डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं है ना, कैसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यार, मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज को, तो मैंने देखा तो ये यही चीज मेरे को नजर आई, बस फर्क इतना है एन तक है और वो 20 तक है, लेकिन उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब उसमें मेरे पास जो मिसिंग टर्म है वो पहले 4 टर्म मिसिंग थे, अगर वो 4 टर्म मेरे को इसमें मिल जाए तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा ना, एन की वैल्यू 20 लेके, मानते हो ये बात सर, कह तो आप सही हो, जब मैं सही कह रहा हूं तो मान लो ना मेरी बात, करते रहा फिर आगे है ना। तो देखो मैंने क्या किया, इसका सम निकालने के लिए, और सम कितना बेटा 20 टर्म्स का है, हाँ मैं यही चीज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ ना, तो मैंने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इसमें प्लस कर दिया, आगे क्या था, 5 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर था, 8 का भी रहा होगा, 9 का भी रहा होगा, कहां तक, 20 का स्क्वायर तक। लेकिन अब आप कहोगे सर आपने प्लस कर दिया, ये तो गलत नहीं हो जाएगा, ऐसे कैसे प्लस कर देंगे, हाँ भाई बिल्कुल ऐसे प्लस नहीं कर सकते, तो इसीलिए मेरे को माइनस भी करने पड़ेंगे, तो मैंने पहले चार्ट माइनस भी कर दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
थ्री का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर। भाई ये चार टर्म प्लस किए थे तो मैंने माइनस भी कर लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे हम ध्यान देना, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला बन चुका है लेकिन एन की वैल्यू बीस के लिए। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा यहाँ पे मैं 20 नहीं लिखवा है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। यहाँ पे बेसिकली ये 16 टर्म का सम निकल रहा है। भाई पहले चार टर्म तो मिसिंग थे तो 16 टर्म ही तो निकल रहे हैं, है 16 टर्म निकल रहे हैं बिल्कुल। देखिए जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इस वाले ब्रैकेट में, तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एन की वैल्यू 20 है तो एन, भाई यहाँ पे तो 20 है, यहाँ पे तो पूरे 20 टर्म है इसके लिए, समझो ना थोड़ा फील करो यार। तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 12% अपॉन सिक्स। हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इसको देखा मैंने ध्यान से, तो माइनस और ब्रैकेट में लिख लो, वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो अब ये 20, ये 21 और ये 20 40 और 41 अपॉन में 6 माइनस। अब देखो ये कितना है, 16 9 25 25 और 4 29 और 30 30 है, चेक कर लो 30 आ रहा है। हाँ जी अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से 3 बारी में और 2 से 10 बारी में और 3 से 7 बारी में, 7 21 होता है। हाँ जी अब बचा क्या, बचा क्या, देखो 7 एकम 7 7 4 28 और इसका एक 0 एज इट इज और माइनस का 30, चेक कर लो। अब दिस माइनस दिस करूंगा तो 28 और 70 में से 30 गया तो 40, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए एंड डैम शेप की आंसर आना चाहिए। चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं, है ना, चेक करने में कोई दुविधा नहीं है, थोड़ा सा समय व्यर्थ होगा लेकिन आंसर पता चल जाएगा और आंसर आपका 28 40 बिल्कुल सही आ रहा है और आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। तो बच्चों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन ना और समझते हैं। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या आप देख रहे हैं, 3 into 8, इसको मैं रीराइट करके लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 into 1 और इंटू में 3 into 1 plus 5 ऐसे लिख सकता हूँ। फील तो आ रहा है, देखो 3 1 3 और 3 1 3 3 5 8, हाँ सर लिख सकते हैं। आप ध्यान देना भाई मैंने n की जगह क्या लिखा, ये वाला n चल रहा है मेरा, है ना। अब देखेंगे अगला टर्म क्या है, 6 into 11, आपको समझाने के लिए रफ में कर रहा हूँ। तो देखो 3 into n की वैल्यू 2 और 3 into n की वैल्यू 2 plus 5, बन रहा नहीं बन रहा, 3 2 6 ये बन गया, 3 2 6 5 11 बन गया भाई, बन गया मेरा काम बन गया। तीसरा टर्म देखते हैं, 9 into 14 था ना, तो क्या 3 into 3, भाई n की वैल्यू चेंज हो रही है ना, और 3 into 3 plus 5 बनना नहीं बना, 3 3 9 5 14 बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब मैंने यहां से ऑब्जर्व कर लिया कि मेरा जो kth टर्म बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए बेटा, वो मेरा कुछ ऐसे बनना चाहिए कि 3 into ये n था n और यहां पे भी 3 into n plus 5, ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्या कह रहे, नहीं बनना चाहिए, चेक करते हैं, 1 पुट करो। अच्छा kth टर्म है ना, तो k में लिखो इसको, पहले तो आदत पड़ी हुई है ना n की, के वन पुट करो, वन पुट करके देखते हैं यार, वन पुट किया तो 3 आ गया, वन पुट किया तो 3 एकम 3 और 5 8 ये आ गया, टू पुट करके देखते हैं यार नहीं आ रहा, तो टू पुट किया 3 2 6 ये आ गया, इंटू में 2 पुट किया तो 3 2 6 6 5 11 बिल्कुल ये आ गया, 3 पुट करके देखें, 3 पुट किया तो 3 3 9 ये आ गया, 3 3 9 5 14 बिल्कुल सही तो चल रहा है यार। तो क्या था हमें पता चल गया, पता चल गया मेरे बच्चों, पता चल गया, होप सो कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आपको अगर इस चीज को फेयर में भी दिखाया ना तो आप फेयर में दिखा सकते हो, है ना। तो kth टर्म of the sequence is 3k within bracket 3k plus 5। और अगर आप कहो कि टीचर सर इसको डायरेक्ट देख के काट देगा, हाँ मे भी हो सकता है कि काट दे, मैं मना नहीं कर रहा, आप इस चीज को फील करा के देखो, टीचर को बताओ ना कि मैंने कैसे अपना दिमाग लगा के ऑप्टेन किया, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट तो ऑप्टेन नहीं कर सकता, सोचना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। तो जब मैंने फील किया तभी तो मेरे को नजर आया एन क्या है, समझ गए ना। तो आप हो सके तो इसको फेयर में दिखा दो, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट होगा, अल्टीमेटली आप चाहे तो उसको फेयर में दिखा दें, फिर kth टर्म दिखाएं, है ना। ओके चलिए अब जब kth टर्म आ गया तो अब आपको मैंने बता रखा है कि इसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 3 9 k into k k square और 3 5 15 k, ओके प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद इसका सम, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n ak। अब वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो k इक्वल टू 1 से लेकर के n, ak की वैल्यू 9k स्क्वायर प्लस 15k। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा हल्का चल रहा है ना, ये वाला बेटर है। ओके, तो अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे तो k की वैल्यू 1 से n तक, और यहाँ पे क्या है 9k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर का k स्क्वायर लिख देते हैं, 9 बाहर ले लेते हैं, बता रखा है आपको ऑलरेडी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस इसका भी 15 बाहर ले लेते हैं, एक तो यार सिग्मा है ना, बड़ा बनता नहीं है मेरे से सही से। तो k इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ पे k आ गया। ओके, अब तो फॉर्मूले लगाने और आंसर पाना है। चलिए, तो 9 इंटू के स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा। तो क्या होता है n n+1 2n+1, तो n n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 प्लस 15। k का फॉर्मूला होता है n n+1 अपॉन 2। लो कॉमन ले लें, है ना, 3 से काट दें पहले, चलो 3 से काट दें, 3 3 सा और 3 2 सा, बेनिफिट बेनिफिट तो मिल ही जाएगा आप देखेंगे। तो देखो 3 कॉमन है क्योंकि 15 की टेबल में भी आता है, यहां पे भी, तो 3 भी आ गया। n कॉमन है, n प्लस 1 भी कॉमन है, तो n n प्लस 1 भी आ गया, और ये अपॉन में 2 भी कॉमन है, तो विद इन ब्रैकेट बचा क्या, देखो 3n n प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 2n प्लस 1 बचा, 2n प्लस 1 और प्लस यहां से क्या बचा बेटा, यहां से ओनली 5 बचा। चेक करो ना 5 क्यों बचा, क्योंकि 3 भाग गया 5 से 15 होता है, और n n प्लस 1 अपॉन 2 बाहर चले गए, तो ओनली 5 आ गया यहां पे। ओके, तो फाइनली वी कंक्लूड दैट n प्लस 1 एज इट इज अपॉन 2 इनटू, देखो 2n प्लस 6, भाई 5 और 1 6 तो होता है, आजकल तो 6 होता है, तो 3n n प्लस 1 और यहां से 2 कॉमन ले ले, ले लो सर, तो 2 आ गया बाहर, तो n प्लस 3 रह गया अंदर अपॉन में 2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर लिखते हैं बेटा 3n n प्लस 1 और n प्लस 3, और आई एम डैम श्योर के आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बट चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में, कोई हर्ज नहीं है। तो 3n n प्लस 1 n प्लस 3 बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लग रही है, और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करें, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहला टर्म था 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दूसरा टर्म हो गया, फिर तीसरा टर्म 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, तो बेटा kth टर्म भी तो नजर आ गया आपको या नहीं, है नहीं आया, ऐसा मत बोलो। देखो तो kth टर्म क्या, ये नहीं होना चाहिए भाई, अगला टर्म क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर उससे अगला क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो k वा टर्म क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट k का स्क्वायर, यही तो होगा। हां जी सर, अब समझ में आया कि यही होना चाहिए, है ना, तो मतलब ये k स्क्वायर तक प्लस हुआ होगा भाई, जब पहला टर्म एक बार तक प्लस हुआ, दूसरा टर्म दो बार तक प्लस हुआ, तीसरा टर्म तीन बार तक प्लस हुआ, तो k वा टर्म k बार तक प्लस हो गया होगा, है ना, स्क्वायर करके। जी, अब मैंने यहां पे ध्यान दिया तो यहां पे तो ये फॉर्मूला बन गया ना, चेक कर लो। जी सर, बन तो गया। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n, और यहां पे k की फॉर्म में है, तो k k k वाला आएगा भाई, n की फॉर्म में थोड़ा ना, यहां पे तो k की फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला k की फॉर्म में आएगा, k k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 होगा, नहीं होगा, होगा। और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो k into k k स्क्वायर प्लस k और इनटू में 2k प्लस 1 अपॉन 6, तो देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 2k क्यूब हो जाएगा ये, चेक कर लो, और ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, है ना, 2k स्क्वायर, हाँ सर 2k स्क्वायर, ठीक है, और 1 से करेंगे तो k स्क्वायर, तो इसको 3k स्क्वायर ना लिख दे डायरेक्टली, और 1 से करेंगे तो k, और अपॉन में 6 एज इट इज। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है और ऐसा ऐसा कुछ है भी नहीं जो डाउट हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे देखेंगे, मैं मार्कर बदल देता हूँ थोड़ा सा, ये हल्के हो गए सारे मार्कर, में इंक डालनी पड़ेगी आज। आगे देखते हैं, तो बेटा आपका kth टर्म आ गया जैसे आपको चाहिए था, अब आपको क्या करना है, आपको पता है सम निकालना है, नाउ सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, होगा क्या होगा, तो ये k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक kth टर्म, अब kth टर्म की वैल्यू, अब जब मैं kth टर्म की वैल्यू डाल रहा हूं, तो इस 1 अपॉन 6 को पहली बार ले सकता हूं, अंडरस्टूड है इतनी बात, तो हां सर ले तो सकते हैं, तो 1 अपॉन 6 को मैंने पहले ही बाहर रख दिया, और इसके बाद मैंने सिग्मा ऑपरेटर यानी k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लिया, और ये वाली वैल्यू ले लेता हूं, तो 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k, अब क्या करते हैं,
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा सिग्मा को, कर लो ना यार, देख रहे हो एस ऑफ एन इक्वल टू वन अपॉन सिक्स को एज इट इज बाहर कॉमन रहने दो, इसको जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो एक टू बाहर आ गया, तो सिग्मा के इक्वल टू वन से लेकर के एन के क्यूब ये आ गया, फिर इसका थ्री बाहर आ गया, सिग्मा के इक्वल टू वन से लेकर के एन के स्क्वायर, फिर प्लस सिग्मा के इक्वल टू वन से लेकर के एन के, और कंप्लीट चेक कर लो। अब फॉर्मेट डाल दे सबके, डाल दीजिए सर, तो वन अपॉन सिक्स एज इट इज भारी चल रहा है ये तो, और टू इंटू में के क्यूब, अब के क्यूब का फॉर्मूला ये ना आपके सामने, तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर होता है जी, प्लस थ्री के स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ओके ओके। अब लास्ट रह गया के, तो के का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू, मेरे हिसाब से तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब सबसे पहले कुछ भी काटा पीटी करने से पहले आप कॉमन ले लो, ज्यादा बेटर रहता है ना, तो मैं कॉमन लेने वाला हूं, वन अपॉन सिक्स तो पहले से बाहर था, तो कॉमन आ गया एन एन प्लस वन अपॉन टू, चेक कर लो सभी में ये एन एन प्लस वन अपॉन टू एन एन प्लस वन अपॉन टू एन एन प्लस वन अपॉन टू, ओके। तो बचा क्या, बचा क्या, ये एक तो यहां से टू बच गया और एक यहां से पूरा बच गया क्योंकि इस पे स्क्वायर है ना, तो एन एन प्लस वन अपॉन टू और प्लस 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 एन एन प्लस वन, अच्छा ये अगर मैं काट भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये टू बाहर अब कॉमन आ चुका है, तो देखो एन एन प्लस वन अपॉन टू बाहर गया तो खाली टू एन प्लस वन बचा है, ओनली टू एन प्लस वन है ना, तो टू एन प्लस वन और अपॉन में कुछ नहीं है तो वन लिख सकते हैं, यहां से कुछ भी नहीं बचा है, वन बचा है खाली, इसके लिए अपॉन में वन लिख सकते हैं। अब यहां से भी ये टू कैंसिल आउट हो चुका है, अब जो बचा है उसको देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे एन एन प्लस वन अपॉन छह दो बारह लिख दे, लिख दो सर आपका रात चल रहा है, क्या हो गया, इसको ओपन करते हैं, तो ये हो गया बेटा एन स्क्वायर प्लस एन और प्लस में क्या है टू एन प्लस वन और ये वाला प्लस वन, अपॉन में तो कुछ है नहीं तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, तो अब फाइनली आंसर आप क्या देख रहे हैं एन एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्व और विद इन ब्रैकेट देखो एन स्क्वायर एज इट इज, यहां पे हो गया थ्री एन, चेक कर लो, और यहां पे हो गया टू, ओके। अब अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो हम फैक्टर कर देंगे, अदरवाइज नहीं, तो देखो टू अंदर टू से थ्री आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है, तो दो और एक ही लेते हैं इसके फैक्टर है ना, तो देखो फाइनली आंसर क्या देख पा रहे हैं आप एन एन प्लस वन और इसके जो फैक्टर बनेंगे मैं यहाँ पे आपको झोपड़ी बना के भी दिखा देता हूँ, प्लस का थ्री है और लाना आपने दो प्लस के दो से, तो दो एकम दो, तो इसके फैक्टर बन गए प्लस टू और प्लस वन, चेक कर लो है ना, तो इसके फैक्टर बन गए एन प्लस वन और एन प्लस टू और अपॉन में बारह, अब दो बार एन प्लस वन है तो इस पे स्क्वायर लगा के इसको लिख देंगे, दैट्स इट है, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस टू और अपॉन में बारह, मेरे हिसाब से आई एम डैम श्योर कि आंसर यहीं पे छोड़ा होगा, बट फिर भी एक बार आंसर चेक करेंगे हा? तो फर्स्ट लेट मी चेक, और आपका जो सातवें क्वेश्चन का आंसर है वो है एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन प्लस टू अपॉन में ट्वेल्व, बिल्कुल सही है और होप सो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ ठीक है, और अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फिर देखते हैं आगे, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ से क्वेश्चन नंबर दस, तो ये तो बिल्कुल लड्डू परोस के दीजिए आपको थाली में, बस आपने उठा के खाना है, इतना तो कर ही सकती हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, कहता है कि फाइंड द सम टू एंड टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 टू 10, ओके हूज एनथ टर्म इज गिवन बाय दिस, यानी कि आपको जिस चीज की दौड़ भाग लगी हुई थी अब तक के क्वेश्चन में कि मेरे को जनरल टर्म मिल जाए, जनरल टर्म मिल जाए तो मेरा काम इजीली बन जाता है, अब आपको जनरल टर्म थाली में परोस के दे दिया, आपको मेहनत नहीं करनी, बस सम निकाल देना है इसका, तब तो बहुत ईजी हो गया है। देखो तो पहले मैं इसको kth टर्म में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि जब मैं सिग्मा ऑपरेटर लगाता हूं तो उसके लिए मेरे को इसको kth टर्म में लेके जाना पड़ता है, वो आपको मैंने बताया था इंट्रो में भी है ना, तो चलो इसको मैं रीराइट करके लिख लेता हूं, ak इज इक्वल टू k और k प्लस वन और k प्लस फोर, ठीक है। अब नाउ सम अप टू n टर्म्स क्या होगा बेटा, सिग्मा k इक्वल टू वन से लेकर के n ak है ना, यही होगा, अब ak की वैल्यू डाल देते हैं तो k इक्वल टू वन से लेकर के n ak की वैल्यू है बेटा, और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दूं यहां पे नीचे कर दूं, देखो k स्क्वायर प्लस k आएगा है ना, और इंटू में k प्लस फोर है, तो दोनों को इंटू करके k क्यूब प्लस फोर के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर
और प्लस फोर के, चेक कर लो। तो बेटा के क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे और फाइव के स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, फाइव के स्क्वायर और प्लस का फोर के। अब मेरे को एक बात आओ कि क्या इसके आगे आपको कराने की जरूरत रह गई है? आप चाहते हो कि मैं इसके आगे भी करा दूं आपको या नहीं? क्या कह रहे हो रहने दो सर, रहने दे ना। देखो ना, अब के क्यूब का फॉर्मूला यहां से डल जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। ये ना के क्यूब, फाइव बाहर आके के स्क्वायर का फॉर्मूला यहां से पुटअप करेंगे, फोर बाहर आके के का फॉर्मूला यहां से पुटअप करेंगे और उसके बाद आपने बस कॉमन लेके आंसर लिखना होता है। तो एंड आई एम श्योर कि आप इसको कर लोगे। तो मैं इसको छोड़ूंगा यहां पे क्या बोल के, नाउ डू योरसेल्फ, ठीक है, नाउ डू योरसेल्फ। डीवाईएस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लो, इससे हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी बचे हुए स्पेस में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नौ, पेज नंबर सेम 196 एनसीईआरटी। तो देखते हैं बच्चों, इसमें आपको जो टर्म दिया है यानी कि एन एफ टर्म, तो मैं हिंट ही दे रहा हूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एन स्क्वायर प्लस टू की पावर एन, एन स्क्वायर प्लस टू रेज़ टू द पावर एन, दैट्स इट। इसको मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरा कराऊं। ओके, इसको सबसे पहले के में कन्वर्ट कर लेते हैं, के एफ टर्म। तो एस के एफ टर्म इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टू रेज़ टू द पावर के, दैट्स इट जी। तो अब इसका सिग्मा, नाउ सम ऑफ एन टर्म्स, तो सिग्मा k इक्वल टू वन से n a k। अब a k की वैल्यू डालते हैं तो बहुत ध्यान से देखेंगे, a k की वैल्यू क्या बेटा, k स्क्वायर प्लस टू रेज़ टू द पावर k, चेक कर लो। अब यहां पे क्या करते हैं, हम सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो चलो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहां पे। तो k इक्वल टू वन से n k स्क्वायर a k आ गया और प्लस में, प्लस में देखेंगे बहुत ध्यान से, k की वैल्यू वन से लेकर के एन तक टू की पावर के आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब ये तो आपको पता है कि सिंपली अपने फॉर्मूला पुट अप करना है ना, कौन सा फॉर्मूला, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। यहां पे थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन समस्या आने क्यों देनी है हमने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि के की वैल्यू वन से लेकर के एन तक जाना है। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला पे डायरेक्ट नहीं है तो मैं इसमें पुट करता हूँ के की वैल्यू। तो के की वैल्यू जब मैंने वन पुट करी, जब मैंने टू पुट करी, जब मैंने थ्री पुट करी, ऐसे ही करते करते मैं कहां तक चला गया, टू की पावर एन तक, के की वैल्यू एन तक ले गया इसको, है ना। तो अब ये मैंने देखा कि ये जो एक सीक्वेंस बना है, ये एक जीपी सीक्वेंस नहीं बन गया, और ये क्या हो रहा है बेटा, जीपी का सम हो रहा है। तो मैं जीपी के सम का फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम जीपी के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स एज इट इज, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और यहां पे हमने सम ऑफ जीपी लगाया जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए यानी कि टू है और कॉमन रेशियो आर, इसको इससे डिवाइड करके टू ही आएगा, है ना। तो देखते हैं, देखते हैं बेटा, ए आर की पावर एन, आर यानी कि टू की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो टू माइनस वन, चेक कर लो। अब देखो आंसर तो मेरे हिसाब से यहीं पे छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, उसके बाद फिर मैं इसको आगे करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में जो आंसर है छोड़ा है, वो छोड़ा है n अपॉन में 6, बिल्कुल ठीक है, n प्लस 1 बिल्कुल ठीक है, 2n प्लस 1 बिल्कुल ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, यहीं पे छोड़ा है आंसर, बस इसको 1 कर आगे कर दिया। यानी कि देखो n n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में 6, ठीक है, और प्लस में ये 2 और 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 आ रहा है ना बेटा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत क्या है। तो इन्होंने ऐसे करके आंसर छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे करके आंसर छोड़ दिया है, और एलसीएम भी नहीं लिया है, एलसीएम भी नहीं लिया है, नहीं एलसीएम भी लिया है, तो यहीं पे इन्होंने आंसर छोड़ा। तो होप सो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बस मेरे को ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना था आपको, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा करा दिया है ना। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिफोर दैट आप थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए ना, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। देखो nth टर्म दे रखा है आपको 2n माइनस 1 की पावर 2 और सम निकालना है, बहुत सिंपल है। तो चलो इसको a के में रीराइट कर लेते हैं। तो kth टर्म क्या होगा, 2k माइनस 1 अब की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर खोल दें तो 4k स्क्वायर है माइनस 2ab, तो माइनस 2 टू द 4k और प्लस 1 का स्क्वायर 1, चेक कर लो। अब क्या रह गया इसमें, सम निकालना है, मेरे से निकलवा लो। नाउ sum of n terms is equal to sigma k की वैल्यू 1 से लेकर के n
ए के की वैल्यू डालते हैं तो के की वैल्यू 1 से n, ए के की वैल्यू है 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, अब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो चलिए 4 को बाहर लिखते हैं, ये वाला 4, तो ये हो गया आपका k इक्वल टू 1 से लेकर के n ओनली k स्क्वायर, यहां से ये वाला 4 भी बाहर आएगा लेकिन प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस 4, तो k की वैल्यू 1 से लेकर के n और k और प्लस सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर के n ओनली 1 आ रहा है, है ना। अब देखेंगे बहुत ध्यान से भाई, 4 ऐसी रहा, k स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है बेटा, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4, k का फॉर्मूला भी आपके पास है n n प्लस 1 अपॉन 2 और ये है 1, 1 जब k टाइम तक प्लस होगा तो 1 इंटू k होगा और 1 जब k n टाइम्स तक प्लस होगा तो 1 इंटू n होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू n दैट इज n ही आएगा, है ना, अंडरस्टूड। ये आपको बताया था ना ये वाली बात, देखो ना जब a जो है k n टाइम्स तक प्लस हो रहा है तो n ही आ जाता है ना। अब देखते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, 4n n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यार उसमें से कॉमन नहीं आएगा, मे भी हो सकता है आंसर इसी वे में छोड़ा हो, इसी मैनर में, तो जो कटा है वो काट के, बट फिर भी एक बार आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, है ना, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमने आंसर को कहां तक लेके जाना है। तो आंसर n अपॉन में 3, और नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब था कि इसका आंसर आगे सॉल्व हुआ है, है ना, जब हुआ है तो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, कर ले। देखो 4n n प्लस 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से, फर्स्ट में से, तो 4n n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन गया तो क्या बचा, 2n प्लस 1 और अपॉन में 3 बचा, चेक कर लो। और यहां से क्या बचा, 4n n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे ही बाहर गया तो 1 बचा और प्लस में n एज इट इज, अभी दो मिनट के लिए। अब देखते हैं क्या निकल के आता है, 4n n प्लस 1 अपॉन में 2, अच्छा ये 2 से तो 2 काट ही दो ना, तो अपॉन का पंगा ही खत्म, तो ये 2n n प्लस 1 बचा है। अच्छा यहां पे एलसीएम ले ले, तो 2n प्लस 1 और माइनस 3 अपॉन में 3 और प्लस का n, ओके, तो फाइनली 2n n प्लस 1 और यहां पे कितना आ रहा है देखो चेक करेंगे, थोड़ा सा रफ में भी कर दूंगा साइड में, देखो 2n आ रहा है और साथ में माइनस का 2 आ रहा है, चेक कर दो भाई माइनस का 2 आएगा, तो 2 इसमें से कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, n माइनस 1, है ना, n माइनस 1 आएगा, तो बेटा यहां से 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो n माइनस 1 अपॉन का ये 3 आया जो था और प्लस में ये वाला n था, चेक कर लो। अच्छा 2 को कॉमन लेके वैसे बहुत ज्यादा कोई फायदा तो हमने कर नहीं लिया है, बट जो भी है जैसा भी है, अब मेरे को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और इन सबको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट भी कर लेना चाहिए, तो 2 टू द 4n, देखो यहां पे क्या आया 4n, भाई ये 2 टू द 4n और इसको इससे करेंगे तो 4n स्क्वायर और 4n आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट को ओपन किया खाली अभी हमने, ये वाला ब्रैकेट बचा हुआ है n माइनस 1 का और साथ में जब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो ये 3n बन जाएगा और होल अपॉन में 3 आ जाएगा, चेक कर लो। अब मेरे पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मेरे को देखना पड़ेगा, है ना, तो देखना तो खैर क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा काम रफ में भी करूंगा, बेसिकली मैंने ऐसा नहीं लग रहा ये स्टेप गलत कर दिया, हाँ यार थोड़ा सा गलत ले गया था, देखो मैं बताता हूँ मैं इसको और इजी तरीके से कर सकता था, मेरे को इतना भाग दौड़ी करने की जरूरत नहीं थी, बताऊँ कैसे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा तो 2 टू द 4n को ऐसे रहने देता और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता सिंपली, और ये जब एलसीएम लेता तो 3n अपॉन में 3 रहता। अब ब्रैकेट को ओपन कर सकते थे हम, तो जब मैंने ब्रैकेट को ओपन करना है तो यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ, चलो देखो ये क्या बन जाएगा 4n क्यूब बन जाएगा, 4n क्यूब, और नहीं तो आप चाहो तो 3 को n को कॉमन ले लो, चलो n को कॉमन ले लो इसमें से, है ना, n को कॉमन ले लें तो अंदर खाली 4 का इंटू होगा, तो 4 का इंटू होगा तो 4n स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 3, भाई n कॉमन हुआ है ना 3 तो एज़ इट रह गया और अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में 3 है। तो अब देखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 4 देखो ये n ऐसे रहा, अंदर क्या है 4n स्क्वायर और 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 है अपॉन में ये वाला 3। अब मेरे को सिर्फ आंसर लिखना बाकी है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो कितना आ रहा है बेटा 4n क्यूब आ रहा है और माइनस का n आ रहा है अपॉन में 3, मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पीछे आंसर कुछ अलग है, मेरे को चेक करना पड़ेगा बेटा।
हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो। इसका आंसर तो आ रहा है n बाय थ्री, अगर n को कॉमन ले लेते हैं, और 2n प्लस वन 2n माइनस वन, हाँ 2n प्लस वन और 2n माइनस वन और होल बाय थ्री। लेट मी चेक फर्स्ट, 2n प्लस वन 2n माइनस वन, हाँ आंसर ये आ रहा है। तो देखो, अगर मैं ये आंसर को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो इसको चलो थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या दिस विल बी इक्वल टू दिस है या फिर नहीं है, है ना। तो एक शायद n n भी तो था, आई थिंक सो, हाँ n अपॉन थ्री भी तो है, यहाँ पे n भी है बेटा, ये आंसर आ रहा है। हाँ तो आ तो गया आंसर, ये नहीं समझे आप, मैं समझाता हूँ। देखो दिस विल बी इक्वल टू दिस आ रहा है, ये नजर आ रहा है, इसको हटाई दो आप। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखना बेटा है, देखिए भाई ये n बाय थ्री तो ऐसी रहा, मेरे को चाहिए n बाय थ्री, है ना। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, अरे लग तो रहा है यार, ये 2n का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2n माइनस वन, समझे नहीं समझे। देखो इस चीज को देखो भाई, 4n स्क्वायर लिखा है, इसको मैं 2n का होल स्क्वायर लिख दूं और माइनस वन और वन पे भी स्क्वायर लगा दूं, अब ये n बाय थ्री तो ये रहा, और इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, चेक कर लो, और यही तो आपका आंसर है, ये रहा, है ना। तो दैट्स योर फाइनल आंसर, और मतलब जो हमने छोड़ा था वो आंसर भी गलत नहीं था, लेकिन हमें आंसर पे एक्यूरेसी चाहिए कि जो पीछे छोड़ा हुआ है हमें वहां तक अगर जाना है तो दैट्स व्हाई हम वहां तक गए। अच्छा ये मैं एरो ले आता हूँ यहाँ पे, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। और आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा जो भी था, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ बच्चों खुशखबरी ये है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलिए अब मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा, और अब जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है वो है बेटा हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, है ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का इंट्रो प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ा बात है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत सारी है, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन ना कराऊं, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करने की नीड है, और आपको भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास भी करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली क्वेश्चंस मैं आपको हिंट दे सकूं, जिससे कि जो हमारा लेक्चर वीडियो रहेगा वो भी बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, है ना। चलिए तो समय हो, पहले मैं साइड बताता हूँ, आप वीडियो पॉज कर नोट कर लेना। अब समय हो चुका है आपसे बच्चों अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, चैन।